हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू RMS क्लासेस। आज हम करेंगे रिडक्शन फार्मूला चैप्टर 8th एंड एक्सरसाइज 3rd मीन्स 8.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एंड इसमें कुछ रिडक्शन फार्मूलाज हैं, पहले वो देख लेते हैं। डेरिवेशन, IN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर NX DX। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम टेन रेज टू पावर एन, कॉट रेज टू पावर एन, कॉसिकेन रेज टू पावर एन एंड सीकेन रेज टू पावर एन, इन चारों के फॉर्मूल जो रिडक्शन फॉर्मूलाज हम ड्राइव कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे एन क्या होता है? एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर इवन और ऑड। ठीक है, आज आपको इसका डेरिवेशन करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपको एक पावर में मीन्स साइन एक्स को एक पावर में इसको ब्रेक करना है। एन को हमने ब्रेक किया एन माइनस वन एंड वन पावर में। ओके, बेस सेम है, ऐड करेंगे वापस साइन की पावर एन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसको हम फर्स्ट लेके चलते हैं ये फंक्शन, सेकेंड फंक्शन लेके चलते हैं। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज अ माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन साइन रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स इंटू बेस का करेंगे मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज अ माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस माइनस एंड दिस माइनस इज अ प्लस एन माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स कॉस इंटू कॉस इज अ कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर को यहाँ पे हमने लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अंडरस्टैंड, कॉस इंटू कॉस इज अ कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। दिस इज माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, वन के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। माइनस प्लस एंड माइनस इज अ माइनस एन माइनस वन कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एन साइन रेज टू पावर एन माइनस टू हेयर इज अ साइन स्क्वायर। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड साइन रेज टू पावर एन एक्स इज अ रिमाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप क्या आएगा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। हेयर लेफ्ट हैंड साइड IN is equal to minus sine raised to power n minus 1x into cos x plus n minus 1. It can be written as IN minus 2. Here sine raised to power n minus 2 and IN is a sine raised to power n. Okay? Then sine raised to power n minus 2 becomes IN minus 2. And this is n minus 1 IN. इसको हम आई एन लिखेंगे आई एन। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इस स्टेप को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। आई एन कॉमन लेंगे वन माइन प्लस का हो जाएगा, वहाँ पे माइनस का है। ओके, इक्वल टू माइनस साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। वन से वन कैंसिल एंड आप एन से डिवाइड करेंगे। आई एन इज अ माइनस साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई एन, एन से डिवाइड कर रहे हैं प्लस एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। दिस इज रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप लिमिट अप्लाई कीजिए जीरो टू पाई बाय टू, देन इसका रिडक्शन फार्मूला क्या आएगा? यहाँ पर आपको इसको जो इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, आई एन की वैल्यू है साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जीरो टू पाई बाय टू। हेयर दिस इज अ टर्म, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे
साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाय एन, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 0 टू पाई बाय 2 प्लस एन माइनस 1 बाय एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। क्लियर, हमने 0 से पाई बाय 2 जो वो लिमिट अप्लाई कर दिए थ्रू आउट। नाउ साइन, यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई बाय 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इज अ 0, अपर लिमिट पे 0 आंसर देगा एंड लोअर लिमिट साइन 0 इज अ 0, लोअर लिमिट पे भी 0 आंसर आएगा। देन दिस कंप्लीट स्टेप बिकम्स 0 बिकॉज अपर लिमिट पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा एंड 0 रखते हैं तो साइन 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास रिमेनिंग टर्म है ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाती है और यहाँ से बचेगा आपके पास एन माइनस 1 बाय एन 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे आई एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाय एन आई एन माइनस 2। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि हमने 0 टू पाई बाय 2 लिमिट अप्लाई कर दिए, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यानी कैसे आप रिडक्शन फार्मूला बना सकते हो। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, देन मुझे वैल्यू चाहिए आई एन माइनस 2 की। ठीक है, तो यहाँ से आई एन माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे, एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस 2 से इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ वी रिप्लेस एन बाय एन माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू, एन को आपने एन माइनस 2 में रिप्लेस करना है, मीन जहाँ पे भी एन होगा वहाँ पे आप पुट करोगे एन माइनस 2, दिस बिकम्स एन माइनस 3 डिवाइड बाय एन माइनस 2। अंडरस्टैंड, यहाँ पे एन है इसको आप एन माइनस 2 लिखेंगे, एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे एन माइनस 2 एंड दिस आई एन माइनस 4। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन आई एन इज इक्वल टू यहाँ से एन माइनस 1 बाय एन इंटू आई एन माइनस 2 की वैल्यू, हम ये वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, देन आई एन माइनस एन माइनस 3 अपॉन एन माइनस 2 आई एन माइनस 4। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, या फिर सेकंड इक्वेशन ये ले लीजिए और इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम एक स्टेप और निकाल लेते हैं, हमें आई एन माइनस 4 की वैल्यू चाहिए, देन यहाँ से आप क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इन इक्वेशन सेकंड वी रिप्लेस एन माइनस 2 एन को रिप्लेस कर दीजिए एन माइनस 2 से, किस में, इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे, देन एन को एन माइनस 2 में रिप्लेस कर रहे हैं, एन माइनस 2 ऑलरेडी, दिस बिकम्स एन माइनस 4 एंड यहाँ पे एन माइनस 2 माइनस 3 एन माइनस 5 डिवाइड बाय एन माइनस 2 माइनस 2 एन माइनस 4। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 6। अब ये एन माइनस 4 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट आई एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस 3 एंड ये वैल्यू आप पुट कर रहे हो, मैं न्यूमरेटर लिख रही हूँ एक बार, यहाँ पे एन माइनस 5 आ जाएगा और डिवाइड में एन एन माइनस 2, तो पहले से ही स्टेप है, आई एन माइनस 4 की वैल्यू आ रखी है एन माइनस 4 एंड आई एन माइनस 6। ओके, इसी तरह से हम वैल्यूज निकालते जाएंगे एन माइनस 6, फिर एन माइनस 8, एन माइनस 10, तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस अगर हम स्टेप्स निकालते जाते हैं एंड यहाँ से आपके पास दो केसेस आते हैं। अब हम वैल्यूज रखते जा रहे हैं, अगर एन इवन है तो क्या वैल्यू देगा एंड ओड है तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो यहाँ से हम केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, इफ एन इज इवन देन आई एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस
थ्री एन माइनस फाइव, ये स्टेप तो आएंगे। अब टू सॉन लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी वो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। अभी मैं आपको आइडिया देती हूँ कि आपको कैसे निकालना है। एंड डेनोमिनेटर आ रहा है एन, एन माइनस टू, एन माइनस फोर, अप टू सॉन, और यहाँ पे क्या टर्म आएगी यानी कि आई के सिक्स में क्या आएगा। यहाँ पे देखिए एन माइनस सिक्स है, अब यहाँ पे एन को सिक्स हमने क्या लिया है, इवन लिया है। अब यहाँ पे एन को सिक्स पुट करके देख लीजिए, एन को अगर मैं सिक्स रखती हूँ, क्योंकि एन हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं एन को सिक्स पुट करती हूँ देन एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, मैं यहाँ पे सिक्स पुट कर रही हूँ, सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव इज वन, देन लास्ट टर्म हमारे पास वन आ रही है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे यहाँ पे वन आएगा, अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इवन में से आपको ओड टर्म्स माइनस करनी है तो लास्ट में हमारे पास वन ही बचेगा, क्योंकि इवन और ओड का डिफरेंस वन होता है। ओके, नाउ एन माइनस फोर एंड एन माइनस फाइव, लास्ट टर्म हमारे पास बनती है यहाँ पे एन माइनस फोर है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे एन माइनस फाइव है। ओके, देन अगर एन माइनस फाइव, अगर आप एन को इवन ले रहे हो और एन माइनस फाइव टर्म मीन्स एन में से आप ओड माइनस कर रहे हो और हमारे पास वन आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे टर्म क्या आएगी, लास्ट इज अ टू, बिकॉज यहाँ पे आप सिक्स पुट करके देख लीजिए, थ्रू आउट सिक्स ही पुट करना है, सिक्स, सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर करते हैं देन यहाँ पे टू रिमेनिंग रहता है एंड यहाँ पे सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो। तो इस तरह से आप एन की वैल्यूज रखते जाएंगे इवन नंबर्स, तो आपके पास आएगा यहाँ पे आई जीरो एंड दिस इज, ये स्टेप जाके हमारे पास वन पे कंप्लीट होगा एंड डेनोमिनेटर जाके हमारा टू पे कंप्लीट होगा, अंडरस्टैंड। नाउ आई नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आई एन हमारे पास है जीरो टू पाई बाय टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, आई नॉट क्या आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू यानी आई जीरो, जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर जीरो डी एक्स, साइन रेज टू पावर जीरो इज द वन, मीन्स वन जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स, इंटीग्रेशन करोगे एक्स आ जाएगा, जीरो टू पाई बाय टू लिमिट अप्लाई करोगे पाई बाय टू आ जाएगा, देन आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। तो अगर एन इवन है देन आई एन की वैल्यू एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, टू टू जो है एन में से जो भी एन की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू यहाँ पे हम टेन ले लेते हैं साइन रेज टू पावर टेन, देन आप करेंगे टेन माइनस वन, टेन माइनस थ्री, टेन माइनस फाइव, तो इस तरह से हम दो दो माइनस करते जाएंगे अप टू सॉन लास्ट में आएगा आपके पास वन डिवाइड बाय एन इन टू एन माइनस टू एन माइनस फोर अप टू सॉन टू एंड आई नॉट की वैल्यू इज अ पाई बाय टू। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, डायरेक्ट यूज होगा। एंड सेकेंड केस हम डिस्कस कर लेते हैं, इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड आता है तो आपके पास आई एन क्या बनेगा। ऑड के लिए यहाँ पे आप जो इसको आई इज आई एन माइनस सिक्स है, यहाँ पे आप सिक्स सेवन पुट करके देख सकते हैं, सेवन इज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो आप सेवन पुट करके देख लीजिए एन सेवन माइनस वन, सेवन लास्ट फैक्टर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ओके, देन एन एन हमने ओड टर्म लिया है और एन में से ओड टर्म ही माइनस कर रहे हो तो लास्ट माइनस में तो हमें जाना नहीं है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव एंड लास्ट इज अ टू। तो यह ये बन जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव अप टू सो ऑन टू डिवाइड बाय एन इन टू एन माइनस टू एन माइनस फोर, दिस बिकम्स इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी। अगर आप कंटिन्यू लाइक दिस स्टेप लेते जा रहे हो तो यहाँ पे आप सेवन पुट कर रहे हो, सेवन में से आप फोर माइनस करके देख लीजिए इज अ थ्री, एंड थ्री क्यों आया, अगर हम एग्जाम्पल नहीं भी लेते हैं देन एन माइनस फोर एंड दिस इज एन माइनस फोर, दिस इज एन माइनस फाइव, दिस टर्म इज लेस देन दिस, देन अगर ये हमारे पास टू आ रही है ये टर्म ए वन ग्रेटर है दैट मीन्स ये थ्री आएगी। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आई वन, कब, जब एन हमारा ओड होगा, अंडरस्टैंड। तो आपको अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप एग्जांपल लेके देख लीजिए कि एग्जांपल एन इक्वल टू जैसे मैं सेवन लेके या फिर सेवन पुट करके देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेवन माइनस सिक्स इज आई वन आएगा और आई वन की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, आई वन मीन्स जीरो टू पाई बाय टू साइन
साइन रेज टू पावर वन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स जीरो टू पाई बाय टू, एंड पाई बाय टू पे कॉस जीरो एंड लोअर लिमिट कॉस जीरो इज अ वन, देन माइनस यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस कॉस जीरो, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा वन। मीन्स आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आई वन की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा वन। मीन्स जब n ओड होगा देन साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाय टू, लिमिट में यही होनी चाहिए जीरो टू पाई बाय टू, देन आई एन हमारा ये आपको इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो जब ओड ले रहे हो तो हमारे पास लास्ट में वन एंड डिनोमिनेटर इज अ टू, लास्ट में वन बाय टू और मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाय टू से, ओके। और अगर n ओड है हमारे पास देन n माइनस वन एन माइनस थ्री, यानी दो दो आपको कम करते जाना है, लास्ट में टू एंड डिनोमिनेटर इज एंड वन थ्री एंड हेयर आई वन इज अ वन। देखिए नेक्स्ट इज रिडक्शन फार्मूला है फॉर कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। अगर आई एन आपके पास दे रखा है कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स और लिमिट भी ले लेते हैं जीरो टू पाई बाय टू। अगर विदाउट लिमिट आपसे पूछा जाता है तो आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही डेरिवेशन आपको करना है, बट मैथड वही रहेगा। मीन्स इसको आप चेंज करोगे कॉस रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स में, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो टू पाई बाय टू, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एन माइनस वन कॉस रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स, एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन इज ए साइन एक्स डी एक्स, ओके। देन नेक्स्ट इज पाई बाय टू पुट करेंगे, कॉस साइन पाई बाय टू वन एंड कॉस पाई बाय टू इज जीरो, एंड अब जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, तो कंप्लीट दोनों ही लिमिट पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है, माइनस एंड माइनस इज अ प्लस, एंड माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स और लिमिट है जीरो टू पाई बाय टू, एंड साइन स्क्वायर को फिर से जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया है वन माइनस कॉस स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई ओपन कीजिए एंड यहाँ से एन माइनस वन जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर एन हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस टू एंड दिस इज टू कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे था जीरो टू पाई बाय टू कॉस एन एक्स डी एक्स, दिस इज आई एन, आई एन माइनस टू एंड दिस इज आई एन, आई एन और आई एन को इकट्ठा करेंगे, मीन्स इस स्टेप को इकट्ठा ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, जैसे आप इस स्टेप को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे वन प्लस एन माइनस वन, यानी वन से वन कैंसिल, एन से हम डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन बाय एन, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, क्लियर। क्या किया हमने, इस स्टेप को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स कॉमन आ जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, एन से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आई एन इक्वल टू एन माइनस वन बाय एन, दिस इज आई एन माइनस टू, ओके। क्योंकि यहाँ पे कॉस की पावर एन माइनस टू है, देन दिस कैन बी रिटन एज एन आई एन माइनस टू। अब हमें वैल्यू चाहिए आई एन की, ओके। देन यहाँ से मैं आई एन माइनस टू की वैल्यू निकालती हूँ और यहाँ पे पुट करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, जैसे लास्ट किया था डेरिवेशन सेम टू सेम करना है, एन को आप रिप्लेस करेंगे एन माइनस टू से इन इक्वेशन फर्स्ट, देन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे एन माइनस टू लिखते हैं माइनस वन ऑलरेडी माइनस थ्री, एंड एन रिप्लेस बाय एन माइनस टू, आई एन माइनस टू बिकम्स आई एन माइनस फोर, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन वन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, देन आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन, एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू, आई एन माइनस फोर। अब हमें
एन आई एन माइनस फोर की वैल्यू चाहिए, यानी इसमें मैं रिप्लेस कर लेती हूँ एन को एन माइनस टू से, हमें आई एन माइनस फोर की वैल्यू मिल जाएगी। देन कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस आई एन की वैल्यू आ जाती है आई एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव अप टू सो ऑन, और डिनोमिनेटर आ जाएगा एन इंटू एन माइनस टू एन माइनस फोर अप टू सो ऑन। अब आती है तब बात की यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगी, है ना, कि ये जाके एंड किस टर्म पे होएगा, एन इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव, ऐसे हम चलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर यहाँ पे आप एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसमें भी आप केस फर्स्ट लेके चलते हो, केस फर्स्ट इफ एन इज इवन, अगर मैं यहाँ पे एन को इवन लेती हूँ देन यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ रही है, एन को इवन लेते हो तो यहाँ पे आप फोर पुट करके देख सकते हैं दिस एंड विद द टर्म वन, ओके यहाँ पे n माइनस थ्री एंड दिस इज n माइनस टू, और ये एंड हो जाएगा क्योंकि n हमने इवन लिया है, इवन में से आप इवन टर्म माइनस करते जाएंगे, जीरो तक तो आना नहीं है क्योंकि जीरो ले लेते हो तो कंप्लीट टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, जीरो से पहले वन होता है, वन इज अ ऑड नंबर। एंड यहाँ पे अब हमने देखा कि n अगर आप इवन लेते हो, इवन में से इवन टर्म माइनस करोगे तो इवन नंबर ही आएगा, इसलिए लास्ट टर्म आएगी टू, ओके। एंड यहाँ पे आई एन माइनस फोर, एन इज इवन, इवन में से इवन आप माइनस करते हो आई ज़ीरो, ये आई एन की वैल्यू आती है जब आप आपने एन को इवन लिया है, एन इज एन इवन नंबर, ओके। आई नॉट की वैल्यू निकालिए, आई नॉट इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, जो आपने आई एन था वहाँ पे एन को जीरो पुट कर देना है, कॉस रेज टू पावर जीरो, दिस बिकम्स वन, वन इंटू डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी पाई बाय टू। देन अगर एन इवन है हमारे पास तो आई एन आ जाएगा एन इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव अप टू सॉन वन डिवाइड बाय एन इंटू एन माइनस टू एन माइनस फोर अप टू सॉन टू एंड इंटू पाई बाय टू मल्टीप्लाई, तो इवन नंबर पे पाई बाय टू मल्टीप्लाई में आता है। सेकेंड केस, If n is odd, then in, in क्या आने वाला है फिर हमारे पास, यहाँ से देखिए n माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री, यहाँ पे आपने n को odd लिया है, odd में से आप odd माइनस कर रहे हो, लास्ट में आपके पास क्या नंबर है, इज अ odd नंबर, एंड odd में से आप odd माइनस करते जा रहे हैं, टर्म लास्ट में आएगी इवन, क्योंकि ऑड में से ऑड माइनस करेंगे इवन टर्म आती है। देन लास्ट जीरो हम ले नहीं सकते, जीरो से पहले वन, वन इज ऑड, देन इससे पहले आएगा टू, टू इज इवन, तो लास्ट में यहाँ पे टू आ जाएगा डिवाइड बाय एन इंटू एन माइनस टू एन माइनस फोर अप टू सॉन, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडिंग फैक्टर इज, यहाँ पर देखिए एन एन माइनस टू एन माइनस फोर, ऑड में से आपने इवन माइनस किया, ओड में से इवन मीन्स यहाँ पे अगर मैं ओड और इवन का डिफरेंस देखोगे तो वन डिफरेंस होता है ओड और इवन का, देन यहाँ पे हमारे पास लास्ट में वन आना चाहिए, बट यहाँ पे आपको देखना है कि ये टर्म लेस है या फिर ये टर्म लेस है, एन माइनस थ्री या एन माइनस टू, एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल फाइव, ठीक है, तो एन माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस थ्री मीन्स फाइव माइनस थ्री इज अ टू, एंड एन माइनस टू मीन्स फाइव माइनस टू इज थ्री, अगर ये वैल्यू टू है तो ये वैल्यू थ्री आ रही है, अंडरस्टैंड, देन यहाँ पे देखते हैं हम, ये वैल्यू टू है और हमारा नंबर यहाँ पे ओड आना चाहिए, अंडरस्टैंड, वन इसलिए नहीं आ सकता यहाँ पे, देखिए वैसे तो मैंने कहा कि यहाँ पे ओड नंबर आएगा बट यहाँ पे वन इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज एन माइनस थ्री यानी न्यूमरेटर की टर्म डेनोमिनेटर से ग्रेटर है, अगर टू है तो यहाँ पे वन नहीं आएगा, टू से ग्रेटर, और टू से ग्रेटर जो ओड नंबर है हमारा वो है जस्ट बात थ्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा लास्ट टर्म इज थ्री, एंड आई ऑड में से यहाँ पे आप देखिए ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे देन आई वन पे एंड होगा, ठीक है, आई वन की वैल्यू निकाल सकते हो जैसे हमने आई नॉट की निकाली है, जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर वन एक्स डी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट इज जीरो टू पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज वन एंड साइन जीरो जीरो, ये आ जाएगा वन, देन आप वैल्यू रखेंगे आई वन की, दिस बिकम्स आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस थ्री अप टू सॉन टू डिवाइड बाय एन इन टू एन माइनस टू एन माइनस फोर अप टू सॉन थ्री
इंटू वन मीन्स यही वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास। तो ये एज इट इज़ आपको फॉर्मूलाज याद करने, इनको वैल्यूज जो फॉर्मूलाज के नाम से भी पूछ लिया जाता है दो नंबर में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एज इट इज़ यानी कॉस रेज़्ड टू पावर एन एक्स डी एक्स के जो ये वैल्यूज फॉर्मूला हमारे पास निकल के आए हैं, कॉस एन इज इवन एन इज ओड, तो ये आपको यूज़ कैसे करने हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज़्ड टू पावर सिक्स एक्स डी एक्स, बट लिमिट होनी चाहिए जीरो टू पाई बाय टू। आप तभी इसको अप्लाई करेंगे जब लिमिट जीरो टू पाई बाय टू होगी, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो हमने अभी डेरिवेशन किए इनको आपको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट आपको देखा जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर सिक्स थीटा डी थीटा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम कंपेयर करते हैं जो अभी आपने रिडक्शन फॉर्मूला किया है, साइन रेज टू पावर एन थीटा एन एक्स ले लीजिए चाहे थीटा ले लीजिए, जीरो टू पाई बाय टू आपको लिमिट गिवन है। ओके, साइन रेज टू पावर एन एक्स, देन अभी हमने इसका यहाँ पे एन की वैल्यू कंपेयर करेंगे, एन इज सिक्स, साइन की छः पावर है, दिस इज इवन, और इवन के लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया यहाँ पे, एन इंटू एन माइनस वन, जो न्यूमरेटर है वो एन माइनस वन से स्टार्ट होता है, एन माइनस वन दो दो कम करती जाइए, एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव अप टू सॉन वन डिवाइड बाय एन माइनस, अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लेना है कि एन अगर इवन है, इवन में से आप ऑड माइनस करते जाएंगे, लास्ट में वन रहेगा, एंड एन इंटू एन माइनस थ्री सॉरी एन माइनस टू, टू टू कम करना है, एन माइनस फाइव अरे यार फोर अप टू सॉन लास्ट में जाएगा यहाँ पे टू, और इन टू होता है पाई बाय टू। ये फॉर्मूला हम लेके चलते हैं किसके लिए, जब एन हमारा इवन होता है। यहाँ पे एन की वैल्यू सिक्स, अब यहाँ पे निकालिए जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर सिक्स थीटा डी थीटा, एन के प्लेस पे हम सिक्स पुट करते जाएंगे, सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस थ्री, वन के बाद थ्री माइनस करना है, सिक्स माइनस फाइव, इसके बाद की टर्म नहीं लेनी है आपको बिकॉज ये जाएगी सिक्स माइनस सेवन एंड नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। नाउ दिस बिकम्स सिक्स, सिक्स माइनस टू सिक्स माइनस फोर एंड इनटू पाई बाय टू, अंडरस्टैंड, मीन्स हमें इस एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मल्टीपल की टर्म लेनी है यहाँ पे। ओके, सिक्स माइनस फाइव तक ही रखना है, सिक्स माइनस सेवन पर नहीं जाना, यहाँ पे सिक्स माइनस सिक्स भी नहीं करना, यानी इसके बाद टर्म क्या आनी चाहिए, सिक्स माइनस सिक्स विच बिकम्स जीरो, ना तो जीरो ना नेगेटिव नंबर, आपको इसको सिक्स से कम ही रखना है। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं, फाइव इंटू थ्री इंटू वन डिवाइड बाय सिक्स इंटू फोर इंटू टू इंटू पाई बाय टू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आप कॉस में करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइव है और फाइव हमारे पास ऑड नंबर है, एंड ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पाई बाय टू मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ इवन नंबर में मल्टीप्लाई होता है। ओके, ऑड नंबर में वन होता है यहाँ पे, जो हमने आई वन की वैल्यू निकाली थी, देन जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर फाइव थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस थ्री, यहाँ पे फाइव वैल्यू है। ओके, और एन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, और इंटू होता है वन, एन की वैल्यू रखिए फाइव, फाइव माइनस वन फाइव माइनस थ्री डिवाइड बाय फाइव इंटू फाइव माइनस टू, यहाँ पे हमने फाइव माइनस आगे जो फाइव माइनस फोर क्यों नहीं लिया, देखिए यहाँ से जब ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं और एन अगर आपने ऑड ले रखा होता है देन एन माइनस फाइव और एन माइनस फोर मीन्स इसका थर्ड फैक्टर एन माइनस फाइव आ रहा है और डिनोमिनेटर का थर्ड फैक्टर एन माइनस फोर आ रहा है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है न्यूमरेटर की टर्म ग्रेटर है या फिर डेनोमिनेटर की टर्म आपको ग्रेटर रखनी है, मीन्स इसके आप दो फैक्टर न्यूमरेटर के यूज़ कर रहे हो तो डेनोमिनेटर के भी दो फैक्टर ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा फाइव माइनस वन इज फोर इंटू टू डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई है, फाइव इंटू थ्री एट बाय फिफ्टीन, दिस इज योर आंसर।
मैं पहले आपको एग्जांपल सॉल्व करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 0 to 2 ए एक्स रेज टू पावर 7/2 अंडर रूट ऑफ 2 ए माइनस एक्स, फर्स्ट पार्ट आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम सेकंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व करके और इसको साइन और कॉस में आपको चेंज करना है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ एक्स को, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, 2 ए साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन थीटा, एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा एंड डी थीटा। मीन्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसके बाद आप लिमिट चेंज करिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0, और 0 किस पे होता है, थीटा की वैल्यू अगर निकालते हो तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, मीन्स थीटा इज 0। लोअर लिमिट हमारी 0 आ गई है, अपर लिमिट चेक करते हैं, साइन इज इक्वल टू 2 ए, अगर अपर लिमिट हमें दे रखी है, साइन अगर 2 ए है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 ए इज इक्वल टू 2 ए साइन स्क्वायर थीटा, 2 ए से 2 ए कैंसिल, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, अंडर रूट लेंगे यहाँ पे 1 ही रहेगा, साइन इनवर्स 1 इज π/2। देन लोअर लिमिट आ जाती है थीटा इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट इज अ π/2। चेंज दिस इंटीग्रेशन, देन दिस बिकम्स 0 to π/2 एक्स रेज टू पावर 7/2 दे रखा है, और एक्स को आपको क्या पुट करना है, 2 ए साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर है 7/2 एंड डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 ए माइनस एक्स, एक्स इज 2 ए साइन स्क्वायर थीटा, एंड डी एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू आप पुट करेंगे, 4 ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, अंडरस्टैंड। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 0 to π/2 2 ए रेज टू पावर 7/2, कॉन्स्टेंट की पावर हम अलग कर लेते हैं, एंड साइन स्क्वायर रेज टू पावर 7/2, स्क्वायर से यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन रेज टू पावर 7 थीटा d थीटा, डिवाइड बाय, यहाँ से हम 2 ए कॉमन लेंगे, यानी 2 ए अंडर रूट 2 ए कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 ए मीन्स 2 ए की पावर हाफ, ओके। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर, एंड अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर इज अ साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल मीन्स कॉस थीटा, और डी एक्स की वैल्यू है 4 ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए, 2 ए रेज टू पावर 7/2 एंड दिस इज हाफ, माइनस करेंगे 2 ए रेज टू पावर 3, 7/2 यानी 3.5 में से आप हाफ माइनस कर रहे हो, 3 पावर आ जाएगी, ओके। और यहाँ से इंटू 4 ए, ओके, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 7 and 1 पावर इज 8 थीटा d थीटा, कॉन्स्टेंट टर्म इज 2 रेज टू पावर 8 एंड 4 is 32 एंड a रेज टू पावर 4, और इसको सॉल्व करते हैं, n इज 8 मीन्स इवन नंबर, इवन इंटीजर है, अब इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 8 माइनस 1, 8 माइनस 3, 8 माइनस 5, 8 माइनस 7, डिवाइड बाय 8, 8 माइनस 2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 6 इंटू π/2। अगर इवन क्वांटिटी यानी इवन इंटीजर होता है तो लास्ट में हमारे पास π/2 मल्टीप्लाई में जाता है, ओके। देन 32 ए रेज टू पावर 4, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, डिवाइड बाय 8 इंटू
सिक्स इंटू फोर इंटू टू इंटू पाई बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस इज योर आंसर। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट इज एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स इज एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, जो भी आपका मन करे, क्योंकि माइनस होता है वन माइनस ही माइनस एक्स स्क्वायर में हम साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। एक्स को आप साइन थीटा पुट करेंगे और डी एक्स आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा। ओके, जब एक्स आपके पास लिमिट दे रखा है जीरो टू वन, एक्स अगर जीरो है देन लोअर लिमिट थीटा इज ऑल्सो जीरो, एंड एक्स अगर वन है देन साइन इनवर्स वन इज अ पाई बाय टू। दिस बिकम्स साइन क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर एंड अंडर रूट इज अ कॉस थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा कैंसिल। साइन क्यूब थीटा का यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो हमने अभी वैल्यू फॉर्मूला सॉल्व किया। एग्जाम्पल थर्ड, जीरो टू पाई बाई टू साइन रेज टू पावर टू एन एक्स डी एक्स। इसको आपको प्रूव करना है, दिस टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर टू एन एक्स डी एक्स, वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन की पावर टू एन एंड टू एन इज अ इवन इंटीजर। ओके, क्योंकि टू का मल्टीपल है देन हमेशा इवन इंटीजर रहेगा, चाहे आप एन को इवन या ऑड कुछ भी पुट कीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस फाइव अप टू सॉन वन डिवाइड बाय 2n, 2n माइनस टू, 2n माइनस फोर अप टू सॉन 2 इंटू पाई बाय टू। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कब, जब 2n इज अ इवन इंटीजर, हमने वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया इवन इंटीजर वाला। ओके, इसके बाद आपको इसी को सॉल्व करके और ये टर्म इसमें रिड्यूस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, 2n माइनस फाइव एंड इस तरह से दो दो जो टर्म है यानी इनके बीच की जो टर्म है वो मिस है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 2n माइनस टू टर्म ले आती हूँ, यहाँ पे 2n माइनस फोर टर्म ले आती हूँ, देन दिस टर्म बिकम्स द कंजक्टिव इंटीजर्स। अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ वन एंड थ्री फाइव सेवन एंड नाइन। ओके, आपके पास ये टर्म्स है, यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया टू फोर सिक्स एंड एट इन टर्म्स से मल्टी, और टेन ले लेते हैं, टेन इनसे मल्टीप्लाई कर लिया और इन्हीं टर्म्स से डिवाइड कर लेते हैं, टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट इंटू टेन। बिकॉज ये हमारे पास ऑड नंबर्स है, इनके बीच के जो इवन नंबर्स है वो मिस है, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। अब जो ये न्यूमरेटर है, दिस बिकम्स वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10 बन जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 1 से लेकर 10 कंजक्टिव इंटीजर्स हमें मिल जाते हैं एंड डेनोमिनेटर इज दिस एंड न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 10 फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड, एंड ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे जो यूज करना है, देखिए क्या करना है आपको, इनके बीच ये हमारे पास और टर्म्स गिवन है, 2n इज अ इवन टर्म और 2n में से आप 1 माइनस कर देते हैं देन आपके पास ऑड टर्म मिलती है। ओके, देन सारी इवन टर्म्स यहाँ से मिस है न्यूमरेटर में से, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सॉन 1 एंड यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2n माइनस, इसके बाद जो टर्म आएगी 2n माइनस 2, 2n इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू सॉन 2। अंडरस्टैंड, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 अप टू सॉन 2 टर्म्स, यहाँ 2 तक जाएंगे ये टर्म हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर दी, और इन्हीं टर्म्स से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मींस 2n, 2n माइनस 2, ये एक स्टेप तो हमारे पास ऑलरेडी है और एक हमने यहाँ से डिवाइड करना है। दिस बिकम्स 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू सॉन 2, ये तो हमारे पास पहले से ही है और एक आपको यहाँ से डिवाइड में करना है, ये स्क्वायर पावर हो जाएगी इनटू पाई बाय टू। अंडरस्टैंड, देन
क्योंकि सभी टर्म्स जो मल्टीप्लाई में है, मैंने सबसे पहले 2n को लिखा, इसके बाद 2n माइनस 1 को, इसके बाद 2n माइनस 2 को लिखा, क्योंकि सारी मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं, देन 2n माइनस 3 अप टू सॉन, लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू लास्ट में 1, देन दीज टर्म्स इन द नंबर इज 2n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से स्टार्ट करके हम 2n तक पहुंच रहे हैं, एंड दीज आर द कंजक्टिव टर्म्स, देयरफॉर दिस बिकम्स द 2n फैक्टोरियल, एंड डेनोमिनेटर यहाँ से हमने क्या किया, दीज आर इवन टर्म्स, ओनली इवन टर्म्स, 2 से 2n, देन नंबर ऑफ टर्म ऑफ, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, देन दीज आर द n टर्म्स, ओके, देन यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ, 2 टू रेज टू पावर, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, इस तरह से सारी टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेते हैं, देन 2 रेज टू पावर n, क्यों, क्योंकि 2 जो वो n टाइम मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये सारी इवन टर्म्स है, जैसे कि 2 से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2n तक अगर हम टर्म लेते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 2n, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म इज अ 2n, एंड यहाँ पे ओनली इवन टर्म्स है, देन ये n टर्म्स है, ओड टर्म है यहाँ पे स्किप कर रखी है, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या रहेगा, n, दिस बिकम्स n माइनस 1, दिस n माइनस 2, अप टू सॉन, लास्ट में आ जाएगा 1, और कंप्लीट का चल रहा है स्क्वायर इंटू पाई बाय 2, देन न्यूमरेटर बिकम्स 2n फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे 1 से शुरू और 2n पे जाके एंड, या फिर आप 2n इससे फिर कंजक्टिव इंटीजर लेस लेस होते होते 1 तक जा रहा है, एंड ये फैक्टोरियल होता है, तो 2n फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 रेज टू पावर n, एंड दिस इज n, n माइनस 1, n माइनस 2, अप टू सॉन 1 तक जाएगा, देन दीज आर द मल्टीप्लाई ऑफ कंजक्टिव टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म इज n, देन दिस बिकम्स n फैक्टोरियल, और इसका चल रहा है स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, यही आपके पास है राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव करना था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.3, एंड अभी तक हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं, और इनके मैं हिंट दे देती हूँ आपको, जहां पे भी जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड था वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें एक्स को पुट करना है, ए साइन स्क्वायर या ए कॉस स्क्वायर थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, स्क्वायर नहीं ओनली थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, देन अगर एक्स आपके पास जीरो है, लोअर लिमिट यहाँ पे जीरो रखेंगे, देन थीटा इज ऑल्सो जीरो, हम कैसे निकालते हैं, एक्स को यहाँ पे जीरो पुट करेंगे एंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स जीरो जो कि जीरो पे होता है, ओके, और एक्स अगर ए वैल्यू, अपर लिमिट एक्स अगर ए है, देन आप यहाँ पे ए पुट करेंगे, ए से कैंसिल, मीन्स वन इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन, एंड दिस इज पाई बाय टू पे वन होता है, देन दिस इंटीग्रेशन बिकम्स जीरो टू पाई बाय टू, एक्स रेज टू पावर फोर मीन्स ए रेज टू पावर फोर साइन रेज टू पावर फोर थीटा, और डी एक्स के प्लेस पे आप पुट करेंगे, डी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा, एंड ए स्क्वायर एक्स को रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट है, ए कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट कैंसिल इज अ कॉस थीटा कैंसिल, ए से कैंसिल, देन ए रेज टू पावर फोर जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर फोर थीटा डी थीटा, इस पर आप आगे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड आंसर निकालिए, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर फोर एक्स, यहाँ पे हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा कि हम 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, है ना, देन 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल हाफ हो जाता है, एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दिस इज इसका स्क्वायर है, अब यहाँ पे एंगल एक्स बाय 2 हो चुके हैं, इस एंगल को भी आपको हाफ करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे पुट करेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला, एंड साइन टू एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन टू एक्स इज अ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पे भी, इसको आप लिखेंगे जीरो टू पाई बाय टू, फोर पावर है टू साइन
टू रेज टू पावर फोर, बिकॉज यहाँ पे पूरे की फोर पावर है. साइन रेज टू पावर फोर एक्स बाय टू इंटू कॉस रेज टू पावर फोर एक्स बाय टू. यहाँ पे आ जाएगा रूट टू साइन, स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू एंड डिवाइड बाय फोर, टू रेज टू पावर टू इज अ फोर एंड कॉस फोर एक्स बाय टू डी एक्स. कॉस फोर से कॉस फोर कैंसिल एंड यहाँ पे फोर एंड दिस इज टू, टू रेज टू पावर फोर इज सिक्सटीन. ओके कैंसिल करेंगे, फोर रूट टू जीरो टू. अच्छा ये पाई चल रही है भाई, लिमिट पाई नहीं है, पाई बाय टू नहीं है, पाई लिमिट है जीरो टू पाई. रिमेनिंग जो टर्म आएंगी साइन रेज टू पावर फोर एंड वन पावर यहाँ से फाइव पावर, एंगल इज एक्स बाय टू डी एक्स. क्या आप यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, लिमिट जीरो टू पाई बाय टू होनी चाहिए. तो इसको आपको चेंज करना है, तो जो एंगल है उसको पुट कीजिए यहाँ पे, पुट एक्स बाय टू इज थीटा, ओनली एंगल को डी एक्स आ जाएगा टू टाइम डी थीटा. एक्स इफ जीरो लोअर लिमिट देन थीटा इज ऑल्सो जीरो एंड एक्स इज पाई, यहाँ पे पाई वैल्यू पुट करेंगे देन थीटा इज पाई बाय टू. नाउ दिस बिकम्स फोर रूट टू जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर फाइव थीटा. एक्स बाय टू को आपने थीटा लिया है और डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है टू इंटू डी थीटा. एट रूट टू जीरो टू पाई बाय टू साइन रेज टू पावर फाइव थीटा डी थीटा. नाउ यू कैन अप्लाई द वैल्यू फॉर्मूला एंड फाइंड आउट योर आंसर. इन थर्ड पार्ट जीरो टू टू ए एक्स रेज टू पावर नाइन बाई टू अंडर रूट ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स. यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एक्स को आपको लेके चलना है टू ए साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर एंड अंडर रूट से कैंसिल होकर कॉस जो वो रिमेनिंग टर्म रह जाती है. ओके इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया एज इट इज. इन दिस क्वेश्चन एक्स को आप पुट करेंगे एक्स ए साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे साइन रेज टू पावर फोर, देन साइन स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा लेके चलेंगे. ओके देन डी एक्स आ जाएगा टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा. ओके लिमिट चेंज कीजिए, एक्स अगर जीरो, एक्स की लोअर लिमिट जीरो है देन थीटा इज ऑल्सो जीरो एंड अगर एक्स आपके पास ए है तो ए से ए कैंसिल देन थीटा आ जाएगा पाई बाय टू. देन दिस इंटीग्रेशन बिकम्स जीरो टू पाई बाय टू एक्स रेज टू पावर एन और एक्स को आपने रखना है ए साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर एन डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू. डी एक्स इज दिस टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा एंड अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए और एक्स को आपको रखना है ए साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए इंटू एज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस बिकम्स यहाँ पे स्क्वायर करेंगे देन ए स्क्वायर साइन रेज टू पावर फोर थीटा. दिस इज या डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं जीरो टू पाई बाय टू. यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट है तो ए हमारे पास कॉमन आएगा और यहाँ से ए रेज टू पावर एन साइन रेज टू पावर टू इंटू एन इज अ टू एन थीटा एंड दिस इज टू ए साइन एन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एंड इसको सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट है ए आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंडर रूट है तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा एंड अंडर रूट में टर्म हमारे पास आ जाएगी वन माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं इसको मैं लिख ही देती हूँ. चलिए यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अंडर रूट इज अ कॉस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और कॉस थीटा कैंसिल दिस बिकम कॉस थीटा. ओके कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा ठीक है देन यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू ए रेज टू पावर एन दिस इज अ कॉन्स्टेंट इसको आप भाग ले लीजिए
एंड ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओके। देन टू ए रेज टू पावर ए एन इज अ कॉन्स्टेंट, साइन रेज टू पावर टू एन थीटा डी थीटा, एंड इस पे आप अप्लाई कीजिए वैल्यू, क्योंकि टू एन इज अ इवन टर्म, ऑलवेज इवन, टू एन इज इवन टर्म। देन यहाँ पे अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टू ए रेज टू पावर एन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस फाइव अप टू सॉन वन, डिवाइड बाय टू एन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस फोर अप टू सॉन टू, एंड इन टू होता है पाई बाय टू, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, और फर्स्ट ये थर्ड पार्ट है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सेकंड इज द फर्स्ट पार्ट, जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर फाइव। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि x को आप यहाँ पे पुट क्या करेंगे, या प्लस वन प्लस टू में पढ़ चुके हो, अगर वन माइनस एक्स यानी माइनस में टर्म होती है, देन हम x को cos थीटा साइन थीटा पुट करते हैं, एंड अगर x ये वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन प्लस एक्स इस तरह से प्लस में टर्म आती है, देन आप x को tan या cot थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम लेके चलेंगे x को tangent थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू टेन का जो डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अगर एक्स की लोअर लिमिट मीन्स लोअर लिमिट इज जीरो, यहाँ पे पुट करिए टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, थीटा इज ऑल्सो जीरो, एंड इफ एक्स इज टेंस टू इन्फिनिटी, देन यहाँ पे पुट करते हैं इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी कितने पे होते हैं पाई बाय टू पे, देन दिस इंटीग्रेशन बिकम्स जीरो टू पाई बाय टू, डी एक्स की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स को आपने लिया है टेंजेंट थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर फाइव इंटू, ये हम पुट कर चुके हैं डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, जीरो टू पाई बाय टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर इज अ सीकेंट स्क्वायर, एंड सीकेंट स्क्वायर रेज टू पावर फाइव, टू पावर और फाइव मल्टीप्लाई टेन, अंडरस्टैंड, दिस इज सीकेंट स्क्वायर, एंड सीकेंट स्क्वायर की पावर फाइव सीकेंट टेन, यहाँ से आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे टू पावर से, दिस बिकम्स जीरो टू पाई बाय टू डी थीटा डिवाइड बाय सीकेंट रेज टू पावर एट थीटा, टू पावर माइनस हो जाएगी, और सीकेंट को आप लिखिए वन बाय सीकेंट इज अ कॉस थीटा, ये चला जाएगा कॉस में, यानी कॉस रेज टू पावर एट थीटा डी थीटा। अब आप वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एन इज इवन टर्म्स। नेक्स्ट इज ये भी ऐसे ही आपको करना है, एक्स को आपको टेंजेंट थीटा पुट करना है, लिमिट सेम है, डी एक्स आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, ओके। जीरो टू पाई बाय टू लिमिट हमें यहाँ पे बता चुकी हैं आपको, चेंज करेंगे जीरो टू पाई बाय टू लिमिट जाएगी, डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय दिस बिकम्स वन प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, एंड दिस पावर इज एन प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं, जीरो टू पाई बाय टू सीकेंट स्क्वायर, सेकेंड की सारी जो पावर्स वो इकट्ठी कर लीजिए आप, यानी कि डी थीटा डिवाइड बाय सेकेंड, ये टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, देन इसकी पावर आ जाएगी टू एन प्लस टू की पावर मल्टीप्लाई हाफ से करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो टू इंटू एन प्लस हाफ, टू एन प्लस टू से टू कैंसिल वन, एंड जो ये टू पावर है ये डिनोमिनेटर में आके माइनस हो जाएगी, ओके। देन दिस बिकम्स जीरो टू पाई बाय टू डी थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा रेज टू पावर टू एन माइनस वन, ओके। दिस बिकम्स कॉस थीटा, जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा, हेयर टू एन इज अ इवन नंबर, टू एन इवन नंबर, एंड टू एन माइनस वन वन लेस करेंगे, इवन में से वन लेस करते हो ऑड नंबर आता है, दिस बिकम्स ऑड नंबर, देन आप ऑड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जीरो टू थ्री थ्री पाई बाय टू कॉस रेज टू पावर फाइव थीटा बाय थ्री डी थीटा, आपको देखते ही पता चल रहा है कि हम एंगल को पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे थ्री पाई बाय टू हमारे पास पाई बाय टू लिमिट होने चाहिए, देन यहाँ पे पुट करेंगे आप थीटा बाय थ्री को टी ले लेते हैं या फिर एक्स ले लो जो भी आपका मन करे,
डी थीटा इज इक्वल टू 3 dx। ओके, यहाँ पे लोअर लिमिट, अगर आप थीटा को 0 पुट करेंगे एक्स भी 0 आएगा, थीटा को अगर आप 3π/2 लेते हैं, 3π/2 इंटू 1/3, देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल, π/2, एंड दिस बिकम्स कॉस रेज टू पावर 5x। डी थीटा की वैल्यू रखेंगे 3 dx, एंड इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए व्हेन n इज ऑड नंबर। आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे, बहुत लेंथी लेक्चर हो गया है। इसके दो क्वेश्चन रहते हैं, सेकेंड का फोर्थ पार्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवाती हूँ। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी आपके एग्जाम हैं लास्ट ईयर के, लास्ट 2 या 3 ईयर्स के, वो हम स्टार्ट करेंगे 10 जनवरी के बाद। यानी आपको डेली एक एग्ज़ाम जो हो वहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा, और उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके, और जो आप कैलकुलस चैप्टर चल रहा है हमारा, रिडक्शन फॉर्मूला एंड कर्वेचर दोनों कंप्लीट होने वाले हैं, इसके बाद हम एल्जेब्रा एंड सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स हैं वो हम आपके जो कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कंप्लीट सिलेबस आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, यानी जहाँ से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको कवर करवा दूँगी एग्ज़ाम से पहले। ओके, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।